हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप बच्चों? आपने मॉर्निंग में अपनी क्लास अटेंड की ना, तो अब हम चलते हैं अपनी हिंदी की क्लास में, जिसमें हम एक मज़ेदार कहानी करेंगे, टोपी वाला और बंदर। आपने पहले कौन सी कहानी की थी? लालची कुत्ता। अब हम करेंगे टोपी वाला और बंदर। तो चलो देखते हैं और इन्जॉय करते हैं, बाद में आपने ये कहानी याद भी करनी है। तो बेटा बताओ ये कौन है? ये है बंदर। आपको पता है ना, बंदर बहुत नटखट होते हैं, शरारती होते हैं और नकलची होते हैं। तो आज कहानी में भी आप देखो कि बंदर कैसे शरारत करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। एक दिन एक टोपी वाला गांव में टोपियां बेच रहा था। टोपी ले लो, टोपी 5 रुपए की, टोपी 10 रुपए की, टोपी। काम करते करते मैं बहुत थक गया। मैं तो थक गया, क्यों ना थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे ही सो जाऊं। और एक पेड़ के नीचे अपनी टोकरियां रखकर वह सो गया। जब वह सो रहा था तो कुछ बंदर उसकी रंग बिरंगी टोपियां सिर पर पहनकर पेड़ पर चढ़ गए। कुछ देर बाद जब टोपी वाले की नींद खुली, उसने अपनी टोपियां बंदरों के सिर पर देखी। अरे मेरी टोपियां कहाँ गई? अरे ये तो बंदरों ने डाल ली, अब क्या करूं मैं? बंदर तो नकलची बंदर होते हैं, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि ये अपनी टोपियां मुझे वापस दे दें। उसने अपनी टोपी उतारी और फेंक दी। बंदरों ने भी वैसे ही किया। शुक्र है मेरी टोपियां मिल गई। शिक्षा: समझदारी से हर काम आसान हो जाता है। टोपी ले लो, टोपी। तो बेटा इंजॉय की आपने कहानी? मैंने तो बहुत इंजॉय की। तो इससे क्या शिक्षा मिली थी कहानी से? कि हमेशा हमें समझदारी से ही काम लेना चाहिए, समझदारी से हर काम आसान हो जाता है। तो बेटा अब मैम इससे संबंधित आपको कुछ प्रश्न पूछेंगे, आपने उसका जवाब देना है, अपने मम्मा को बताने हैं, ओके? तो प्रश्न नंबर एक है कि टोपी वाला गाँव में क्या बेच रहा था? तो उत्तर क्या है? टोपी वाला गाँव में टोपियां बेच रहा था। प्रश्न नंबर दो, टोपी वाला कहाँ सो गया? टोपी वाला पेड़ के नीचे अपने टोकरी रखकर सो गया। प्रश्न नंबर तीन, रंग बिरंगी टोपियां किसने पहन ली? उत्तर है, रंग बिरंगी टोपियां बंदरों ने पहन ली। प्रश्न नंबर चार, बंदरों ने क्या किया? उत्तर, बंदरों ने अपनी अपनी टोपी उतारी और फेंक दी। और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें हमेशा समझदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि उससे काम आसान हो जाता है। तो आपने ये कहानी बहुत अच्छे से याद करनी है, और जितनी जल्दी हो सके कहानी को याद कर लेना है, ठीक है बेटा? और इसके प्रश्न उत्तर भी याद करने हैं।